एनओसी दे देते 18 तारीख को, वहाँ पे पोस्ट वेकेंट इंसान कहाँ से देंगे। जिमनेजियम के 13 हैं, हालांकि इसके अंदर नहीं आते, ओवरऑल ग्राउंड में आपने एक्सटर्नल गेट के हैं 13 के अंदर, ये टोटल 74 जो पहले से मेन रोड पर लिखा पे ये ज़्यादा स्विमिंग के अच्छा ये है फायर वाले ये इधर भी है पिछले चंद सालों में बदकिस्मती से दहशतगर्दी की एक लहर ऐसी बनी कि जिसकी वजह से बाहर के ममालिक की जो टीमें हैं उन्होंने आने से इनकार करना शुरू कर दी। तो अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है और दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है, इसीलिए जो इंटरनेशनल टीम्स हैं और स्पेशली क्रिकेट की, उन सब ने दोबारा से पाकिस्तान का रुख किया और इसमें हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स का बड़ा पॉजिटिव रोल है। और जैसा कि आप खुद ही पहले बता रहे हैं कि पहले श्रीलंका आया, अब बांग्लादेश आया, और इसके साथ साथ ही PSL के साथ ही हमारा पाकिस्तान में पहला कबड्डी वर्ल्ड कप होने जा रहा है जिसमें 10 ममालिक जो हैं शिरकत करेंगे और उसमें भी सारी टीम्स आएंगी, बल्कि इंडिया की टीम भी उसमें आ रही है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और उनको पूरा हम मेहमान नवाजी का भी सबूत देंगे और उनका ख्याल रखना भी हम पे फ़र्ज़ है। तो इसी सिलसिले में आज हमारी ये बांग्लादेश की जो सीरीज़ है, इसके लिए हम इधर अपना नेशनल हॉकी स्टेडियम में जो कंट्रोल रूम मेन बनता है उसको अभी हमने चेक किया। आज सुबह हमारी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग भी हुई कैबिनेट सब कमेटी की, उस पर भी सारा रिव्यू लिया, सारे रूट का भी, जो तमाम मामलात हैं सिक्योरिटी के या जो कोई लूप्स हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। और वैसे तो ये बड़ा एक मसला बनता है तमाम शहरियों के लिए, ख़ासतौर पर लाहौर के लोगों के लिए, कि जब इंटरनेशनल टीम्स आती हैं तो सिक्योरिटी इशूज़ को देखते हुए आपको इतना ज़्यादा वो बर्डन करना पड़ता है और इतने आपको अल्टरनेट रूट्स देने पड़ते हैं, लेकिन ये भी अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हमने प्रपोजल बना लिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कि हम यहीं पे रिश्ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5-स्टार होटल बनाने जा रहे हैं, जिससे जो भी इंटरनेशनल टीम्स आएंगी वो यहीं पे सीधी रैली के जरिए लैंड करेंगी, इधर ही रहेंगी, यहीं पे उनके प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे, उससे पूरा शहर से मुताब नहीं होगा और लोगों के लिए इंटरटेनमेंट तो है ही सही, लेकिन ये जो एक थोड़ा सा अंदर तकलीफ का सामना करना पड़ता था वो भी नहीं करना पड़ेगा और बाकी सारा शहर उसी रूटीन से चलेगा। जी बिल्कुल, ये थे।